कांग्रेस ना पिछड़ी है और ना बिखरी, प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, जनता जीतेगी, कमलनाथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने जा रहा मतदान विशेष अहमियत रखता है, क्योंकि भाजपा यहां लंबे समय से शासन में है और कांग्रेस उसके सामने गंभीर चुनौती पेश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता संगठित होकर मैदान में डटे हैं। उनका कहना है कि उनका संगठन बूथ स्तर तक तैयार है। चुनाव में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आदिवासी महिलाओं का उत्पीड़न, किसान और कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति प्रमुख मुद्दे हैं। प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। शिवराज सरकार में केवल घोषणाएं हुई हैं, जो तस्वीर दिखाई जा रही है, वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है और ये जनता देख और समझ रही है। यह चुनाव जनता की लड़ रही है, ये हम जन आक्रोश यात्रा में देख चुके हैं। चुनाव की तैयारी में जुटे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। प्रस्तुत है प्रमुख अंश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आपकी क्या तैयारी है? विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह तैयार है। जनता ने मिलावटी, दिखावटी, सजावटी और बनावटी भाजपा को प्रेम से विदा करने की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा संगठन बनकर न केवल तैयार है, बल्कि मैदान में उतर चुका है। मंडल, सेक्टर, बूथ, हर स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त हैं। संगठन की सक्रियता का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि नारी सम्मान योजना के बड़ी संख्या में आवेदन भरवाए जा चुके हैं। नगरी निकाय से लेकर ग्राम पंचायत के चुनाव में संगठन सक्रिय रहा है। जन जागरण अभियान, घर चलो घर घर चलो अभियान, गांधी चौपाल, आदिवासी स्वाभिमान यात्रा, नर्मदा सेवा यात्रा से लेकर जन आक्रोश यात्रा तक कांग्रेस लगातार जनता के बीच जाती रही है। पिछले साल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी मध्य प्रदेश में बड़ा जन समर्थन मिला था। चुनाव में कांग्रेस पहले बढ़त लेती नजर आ रही थी, लेकिन अब पिछड़ी हुई दिख रही है, ऐसा क्यों? ये भाजपा की ओर से सुनियोजित तरीके से फैलाया जा रहा दुष्प्रचार है। प्रदेश की जनता ने इस चुनाव को भाजपा की विदाई यात्रा में बदल दिया है। भाजपा ने जनता में पकड़ मजबूत नहीं की है, बल्कि विज्ञापनों में ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू किया है। आचार संहिता लगने के बाद सरकारी खर्च पर हो रहा पार्टी का प्रचार समाप्त हो गया है। अब सच्चाई फिर से जनता के सामने आ जाएगी। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पिछड़ी नहीं है, बल्कि भाजपा बिखरी हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस यानी कमलनाथ हो गया है। संगठन में बाकी नेताओं की खास भूमिका नजर नहीं आती है। पूरे प्रदेश में इस समय हमारे साथ जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ नेता यात्राओं का नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कोई ये कैसे कह सकता है कि हमारे बाकी नेताओं की खास भूमिका नजर नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ रही है, जो टुकड़े टुकड़े हो चुकी भाजपा को चारों खाने चित कर देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।